हेलो दोस्तों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं फनी सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे। आज हम बात चर्चा करने वाले हैं संविधान के पीछे। आज संविधान को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि संविधान के जो आर्टिकल जो भारत देश के लिए मिले हैं उनमें बहुत सारा परिवर्तन कर दिया गया है और आज भारत में कोई विरोध करने वाला भी उनका नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि देश का संविधान बदला जाए और उसमें जो कमियां हैं उनको दूर भी करा जाए। आज जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो पहले हो चुका है वो अब नहीं होना चाहिए, तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। संविधान को बदलने के लिए वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं है, उन्हें ये ही नहीं पता कि उसमें गलत क्या है सही क्या है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो उन्हें वही चीज़ सही लगने लगती है। जैसे आज से कुछ दिन पहले 8-10 लोगों ने मिलकर के संसद भवन के सामने एक संविधान जलाया था और भारत की जो भीम सेना है उसने उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई और दो देशद्रोही साबित कर दिया, देश से निकालने की बात चली, उसकी नागरिकता को ख़त्म किया गया। लेकिन वो भी लड़ा तो संविधान के दायरे में रह के लड़ा और रिक्वेस्ट भी भेजी तो संविधान के दायरे में रह करके रिक्वेस्ट भेजी। तो आप सोचिए कि जो आदमी गलत करने पर भी संविधान का सहारा ले रहा है और संविधान को ही गलत बता रहा है, तो क्या वो इस देश के बारे में सोच रहे हैं? मेरा ख्याल तो ये है कि बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जो संविधान देश के लिए बना है उसका आज प्रयोग नहीं किया जा रहा। देश को एक तरफ तो देश में से एक तरफ तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही संविधान से सहारा ले रहे हैं कि हमें हमारे जीवन के लिए बचाइए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर को आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, आज हमारा देश का जो संविधान है आज वहां भी लागू हो गया है। राम मंदिर का जो मुद्दा था ये संविधान से हट गया था, लेकिन जब देश की बात आई तो संविधान ने उसको सहारा दिया और आज उस पर पूरी तरह से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और लोग अब उस पर शिलान्यास हो रहा है, काम चल रहा है। मेरी समझ में आज तक ये चीज नहीं आ रही कि लोग जो विरोध कर रहे हैं उसी संविधान का, उसी संविधान से आपको और आपके बच्चों को, हर एक व्यक्ति को, हर एक भारत के नागरिक को उसी से ये सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर खत्म करने की कौन सी ऐसी में पॉलिसी है जो, और इसमें कौन सी गड़बड़ी ऐसी है जिसमें तो ये खत्म करना चाहते हैं? दोस्तों मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जब ये खत्म ही करना चाहते हैं तो इसमें फिर सही क्या है? अगर ये सही नहीं है तो 70-80 सालों से हमारा देश क्यों चल रहा है? इसकी ऐसी प्रथाएं हमारे देश में हैं जहां पर इसके बिना ये नहीं चल रही है, उन्हें भी संसद में सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक उड़ीसा में एक मंदिर है जिसमें हर साल लगभग 1500 से 2000 के बीच लोग उस रथ को खींचा करते थे, लेकिन अब के सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो रथ की प्रथा थी उसको आदमी कम करके 500-600 आदमी करके उसको खींचने की इजाज़त दी, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसी संविधान के अकॉर्डिंग, जिसमें कि लोगों को बचाया जा सके। अगर वही लोग लाखों की संख्या वहाँ पर इकट्ठा होते और अगर उसमें से 20-25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते तो क्या इस देश के अंदर फिर वो बीमारी नहीं फैलती, और ज़्यादा बीमारी नहीं फैलती क्या? और उसी संविधान से वो चीज़ें मिली, लोगों ने स्वीकार भी कर रखी, फिर ये ख़त्म करने की कौन सी बात है?
ऐसी कौन सी चीज है, गलत है इसमें, जो इसे चेंज करना चाहती है। इस चीज को गहराई से चिंतन करिए और समझने का पूर्ण प्रयास कीजिए।